श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है। और पिछले दो दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते हम आपको बता दें कि जहां पर हम खड़े हैं जो हॉस्पिटल रोड है, जो कोई नदी नहीं है, जिस तरह से इतना तेज बहाव यहां पर आ रहा है और देख रहे हैं आपकी किस तरह से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल यहां पर फंसी हुई और रोड के बीचों बीच बजरी और मलबा एकदम से इकट्ठा हो गया और पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि यहाँ पर चलना जो है वो दुश्वार हो रहा है। हम आपको बता दें कि एक SDM कटरा दीपक दुबे की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जो है वो पानी वाले इलाके में और लैंडस्लाइड और पहाड़ों में मत जाएं और अपने घरों में सुरक्षित रहें घरों में, क्योंकि लगातार जो 24 घंटे में जो बारिश हो रही है 3.15 mm बारिश जो है हो रही है। और मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि 1980 के बाद जो है कटरा में इतनी बारिश हुई और इतना तेज जो है वो पानी बरसा हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये रोड है और रोड की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश का पानी है वो लोगों के घरों में और होटलों में घुस रहा है। और हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही थी जिसके चलते हिमकोटी मार्ग सहित ताराकोट मार्ग को बिल्कुल बंद कर दिया गया और माता वैष्णो देवी की यात्रा अभी तक जो है वो सुचारू चल रही है, मगर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर लैंडस्लाइड होती है तो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी भवन में जाने के लिए रोकना होगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो होटलों में दुबके हुए और बाहर आकर जो है वो लगातार इस मौसम के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि लोग जो थे वो अमरनाथ यात्रा के बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंचे थे, मगर बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जो है वो श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार सहित कटरा में दुबके हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं कि जो पानी आप देख रहे हैं, ये कटरा का 12 नंबर 10 हॉस्पिटल रोड है जिसका निर्माण कार्य जो था वो लगातार चल रहा था, बारिश होने के चलते जो था कार्य को रोका गया था। इसी चीज को लेकर जो है वो आप देखा कि गाड़ियां जो काउंटर नंबर 2 की तरफ जाने में दिक्कत हो रही है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से और SDM कटरा दीपक दुबे की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई कि बीते 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है वो एक रिकॉर्ड तौर बारिश थी और 1980 के बाद जो है इतनी जो ज्यादा बारिश जो है वो कटरा में हुई है। और अगले तीन दिन जो है वो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, 3 दिन लगातार जो है वो बारिश रहेगी और लोग अपने घरों में रहें और फ्लड एरिया और पानी वाले एरिया में बिल्कुल ना जाएं। और आप जो है वो रोड बिल्कुल बन चुके हैं और रोड कनेक्टिविटी जो है वो लगातार टूट रही है। रियासी मार्ग सहित जो उधमपुर मार्ग है वहां पर भी जो है वो लैंडस्लाइड होती जा रही है और पानी देखिए बीचों बीच पानी किस तरह से जो है वो शहर में चल रहा है और गाड़ियां जो है वो बिल्कुल फंसी हुई है क्योंकि लोग अपने घरों में की ओर जा रहे हैं और श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनको भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि वो जब तक मौसम साफ ना हो तब तक वह दर्शनों के लिए ना जाए। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज पर रिकॉर्ड ऑफ द IMD लास्ट 24 आवर्स में 300+ mm बारिश यहाँ पे हुई है कटरा सब डिवीजन में, विच इज हैवीएस्ट है सिंस 1980। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जो आप कुछ रोड्स यहाँ पे ब्लॉक थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो रियासी कटरा का रोड था 2 जगहों से ब्लॉक था वो थ्रू कर दिया गया हुआ है ट्रैफिक के लिए। उसके अलावा जो और छोटे मोटे जो आप क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं टाउन में, वो हम लोग म्यूनसिपैलिटी की टीम्स ऑन स्पॉट हैं, रादर मैं अभी विजिट के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। सो जो भी इनकन्वीनियंस किसी को है वो देयर विल बी नो इनकन्वीनियंस। रही बात यात्रा की, यात्रा स्मूथली चल रही है, नीचे का ट्रैक मेरे को बताया गया है कि वो बंद है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिकॉशंस की वजह से वो बंद रखा हुआ है। तो मे बी जब भी मौसम इंप्रूव होता है दे विल ओपन इट, और एडवाइजरी जो है ये 3 दिन के लिए है। सो लेट्स होप और नेक्स्ट 3-4 आवर्स में वेदर थोड़ा सा इंप्रूव करने के चांसेस हैं। तो सर, लोगों के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा कि इस बारिश में लोग किन इलाकों में पहाड़ों में रहते हैं? लोगों के लिए जब भी ज़्यादा बारिश रहती है तो यही मैसेज रहता है कि लोग अपर एरियाज में रहे, थोड़ी ऊंची जगहों पर रहें, नीचे प्लेन डाउन एरियाज में ना जाएं, जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे ना जाएं, जहाँ पे स्लड आ सकती है वहाँ पे ना जाएं, जहाँ पे पानी चढ़ सकता है उफान आ सकता है, बिकॉज बारिश पिछले 24 घंटे से हो रही है आगे भी होने के इसके आसार हैं। तो नीचे जो एरियाज हैं उनमें जो चांसेस रहते हैं इन चीज़ों के वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और पानी के पास जाने के लिए अवॉइड करें।